हेयर फॉल इज वेरी कॉमन। अब गाइज हेयर फॉल होगा, बट अगर हम हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं करेंगे, साथ ही कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो हमारे न्यू हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करे, तो गाइज हम ना फेस करेंगे बाल्डनेस। धीरे धीरे हमारे स्कैल्प पे जो हेयर स्कैल्प होती है वहां पर आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे पैचेस दिखने लगेंगे, बाल्डनेस इसी को कहते हैं गाइज। इसका रीजन कोई भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग अनियन की जो स्मेल होती है वो बेयर नहीं कर पाते हैं। गाइज मैंने ऑलरेडी आपकी इन सारी प्रॉब्लम पे अनियन को लेके वीडियो ऑलरेडी आपसे शेयर किया है, बट डोंट वरी अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आज इक्वल आपको बेनिफिट देने वाला एक अनदर प्रोसेस मैं आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ, जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, आपकी बाल्डनेस को धीरे धीरे कवर कर देगा, वहाँ पे पूरी तरह से हेयर आ जाएंगे और साथ ही साथ आपके जो बाल हैं वो और मोटे मजबूत और घने हो जाएंगे। सो ये वीडियो शुरू करें उससे पहले बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज माय चैनल इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट अ वुमन इट। आपको यहाँ पे शॉपिंग हॉल, मेकअप वीडियो, बहुत सारे DIY और साथ ही साथ नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के रिव्यू जानने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगी हमेशा एक जेन्युइन एडवाइस। गाइज आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट मैं सभी का आंसर करती हूँ, जरूर लिखा कीजिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो गाइज थैंक यू सो मच। जस्ट बगल में आ रहा होगा नोटिफिकेशन बटन, गाइज उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि अब फ्यूचर में आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो। नाउ गाइज अब जल्दी से शुरू करते हैं कि आखिर इस रेमेडी को कैसे अप्लाई करना है और आखिर ये रेमेडी क्या है, सारी चीजों को विस्तार से जानते हैं। सो गाइज ये जो रेमेडी है इसको बनाने के लिए जो आपको इंग्रीडियंट चाहिए वो मेरा वादा है कि आपके घर में ही मिल जाएगा। वैसे इस रेमेडी को बनाने के लिए ओनली 2 इंग्रीडियंट चाहिए। सबसे पहले इंग्रीडियंट की बात करते हैं, सबसे पहली सामग्री है वो है गाइज जिंजर, है ना आपके घर में, तो गाइज आपको लेना है जिंजर। नाउ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट गाइज, देखिए मैं रिकमेंड आपको करूंगी 2 ऑयल, एक तो गाइज आपका कोकोनट ऑयल और दूसरा मैं रिकमेंड करूंगी ऑलिव ऑयल। गाइज अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप इन 2 ऑयल को जरूर यूज कीजिए, तो आपके हेयर फॉल में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये 2 ऑयल या इनमें से कोई एक ऑयल, ठीक है गाइज, तो यही सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, एक चाहिए आपको अदरक और दूसरा चाहिए आपको ऑयल, दैट्स इट। अब आपको करना क्या है गाइज, जो अदरक है ना 2 से 2.5 इंच तक का उसका पीस लीजिए आप और उसको अच्छे से छोटे छोटे पीस में कर दीजिए। या गाइज आपको बेसिकली अदरक का जूस चाहिए तो जो सभी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे, चाहे कद्दूकस करके, चाहे घिस के, या गाइज आप कहते हैं ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है वैसे आप करीब 2.5 टेबल स्पून की बात कर रही हूँ गाइज मैं यहाँ पे, 2.5 टेबल स्पून आपको अदरक का जूस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ वो अप्रॉक्स मोर देन 2 टेबल स्पून है। अब क्या करना है आपको, आपको जितना ही अदरक का जूस लेना है, ठीक है, उसका 2 टाइम्स आपको ऑयल लेना है, ठीक है गाइज, ये प्रोपोर्शन आपका होना है। जो अदरक का जूस आपने लिया और इक्वल प्रोपोर्शन में हम यहाँ पे ऑयल यूज करेंगे। अब देखिए एक है ऑयल और एक है गाइस नॉन ऑयली चीज, ठीक है, मतलब कि एक आपका वाटर बेस्ड थिंग है और एक का आपका ऑयल है, तो ये दोनों चीज अच्छे से मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको गाइस इसको या तो हल्का सा ऑयल को गर्म कर लीजिए, अदरवाइज इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। वैसे आप इसको गर्म करेंगे और इंस्टेंट अप्लाई करेंगे तो बेस्ट है, अगर गाइस आप इसको गर्म करके रखते हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में गाइस ये ना एक दूसरे में मिलेगा नहीं, तो आपको हमेशा इसको शेक ही करना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये अप्रॉक्स मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मिश्रण आपके पास है, आपके हाथ में अब तक मिल गया है वो टॉनिक जो आपके हेयर फॉल पे कंट्रोल करता है, आपके नए बाल उगाता है और साथ ही साथ आपके बाल्डनेस का समाप्तिकरण करता है, गाइस आपकी बाल्डनेस पे ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है वो जाने, उससे पहले जान लेते हैं जिंजर फॉर हेयर ग्रोथ, ठीक है। सो गाइस जो जिंजर होता है ना वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसके रिजल्ट में आपका जो हेयर ग्रोथ होता है वो स्टिमुलेट होता है। क्यों होता है गाइस, क्योंकि इसमें पाया जाता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, बहुत सारे मिनरल्स और साथ ही साथ गाइस इसमें प्रचुर मात्रा में बहुत सारे फैटी एसिड पाए जाते हैं, ठीक है, थीके? तो इसीलिए ये आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ को ही बहुत अच्छे से बूस्ट देता है, ठीक है। आपके जो बाल हैं, देखिए ये आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको मजबूत करता है,
आपका जो बाल्डनेस है वहां पे गाइस नए बाल उगाएगा, क्योंकि ये ना आपके स्कैल्प का जो आपके हेयर का जो स्कैल्प होता है ना वहां पे ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हेयर फॉलिकल्स ज्यादा बनेंगे तो आपकी बाल्डनेस भी कवर हो जाएगी। तो इसलिए गाइस आपका जिंजर आपके हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, बस एक चीज आप ध्यान दीजिएगा गाइस कि ये जो प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया है इसको माइल्ड वे में ही लगाइएगा। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा कि ऑयल कम जिंजर का जूस ज्यादा, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि सेंसिटिव है ये आपकी स्कैल्प तो आप ना जो प्रोपोर्शन मैंने बताया है उसमें जिंजर का प्रोपोर्शन और कम कर दीजिए, ऑयल का प्रोपोर्शन और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको अप्लाई करना है। जब भी इसको अप्लाई करना है मेक श्योर गाइस कि आपका जो हेयर है वो अच्छे से कॉम हो, पहले आप अच्छे से अपने हेयर को कॉम कर लीजिए। नाउ गाइस ये जो मिश्रण मिला है इसको एप्लीकेशन जान लेते हैं। इसको स्प्रे बॉटल में मत लगाइएगा, या तो आप जिसमें सीरम वगैरह आता है उससे अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें लगाते हैं ना तो ये आपके आईज वगैरह में जाने का इसका डर है। ठीक है, तो अदरवाइज आप सिंपल जैसा ऑयलिंग करते हैं वैसा कर लीजिए। अब एप्लीकेशन का जो मेन चीज है वो मैं आपको बता दूं गाइस, आप पहले से अपने बाल को डिटैंगल रखिएगा। आपको करना है बहुत ही हल्के हाथों से अपने सर की मसाज गाइस, इसको आपको अप्लाई करने के बाद मसाज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के बूस्ट होने पे आपकी बाल्डनेस पे अच्छे से वर्क करे। ठीक है, और आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको और अच्छे से मजबूती दे। तो ये गाइस बहुत ही अमेजिंग हेयर टॉनिक मैंने आज आपको बताया है। इस मिश्रण को आपको अप्लाई करना है वीक में 3 times अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गाइस वीक में 2 times आपको जरूर 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 करना है, मैंडेटरी है गाइस इसका रिजल्ट देखने के लिए। हाँ, आप बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कब तक करना है मैम, इसको कितनी देर तक रखना है मैम। गाइस आप इसको कंप्लीट 1 hour के लिए रखिए, 1 hour के बाद आप सिंपल माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा गंदे बालों में इसका एप्लीकेशन मत कीजिएगा, बहुत गंदे बालों में आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट थिंग, कितने एप्लीकेशन के बाद मेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, मेरे बालों का डैंड्रफ चला जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई गाइस, ये आपके डैंड्रफ पे भी बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। ठीक है, तो इस रेमेडी को लेके बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन है उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे छूट जाएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। फिलहाल गाइस आपको इसका विजिबल रिजल्ट देखने के लिए कम से कम इसका 10 to 12 एप्लीकेशन करना होगा बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए, कि मतलब आपकी बाल्डनेस कवर हुई या नहीं, आपके बाल्डनेस वाले एरिया पे जो छोटे छोटे बाल आएंगे उनकी ग्रोथ भी गाइस देखने के लिए कम से कम 12 to 15 एप्लीकेशन चाहिए। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो ओनली 5 एप्लीकेशन के बाद आप अपने हेयर फॉल में चेंजेस देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 5 एप्लीकेशन के बाद आपके हेयर फॉल में बहुत बेहतरीन आपको दिखेगा, रिकॉग्निजेबल चेंज कि हाँ अब मेरे हेयर फॉल पहले से कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था गाइस मेरी आज की वीडियो। अगर आपको इस तरह के ब्यूटी टिप्स पसंद आते हैं, आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो गाइस प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आज आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और इस तरह की चीजों को आपको अच्छा लगता है देखना तो नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट आपसे छूट ना जाए। नाउ गाइस अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू गाइस, बाय बाय।